नेक्स्ट वन इंटरेस्टिंग ऑपरेशंस रिलेटेड टू मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स। मीन्स अगर आपके पास किसी वेरिएबल्स के अंदर किसी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जब भी वैल्यू असाइन कराओगे, आपको ऑलरेडी पता है वेरिएबल्स मेमोरी में हमेशा रिप्रेजेंट किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी बिट्स और बाइट्स। बाइनरी से वेरिएबल्स के अंदर अगर डेटा असाइन करें तो वेरिएबल्स के अंदर डेटा असाइन करने का मीनिंग क्या है, ऑलरेडी डिस्कस किया। वेरिएबल्स का डेफिनेशन क्या है, वेरिएबल इज अ सम नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। सपोज दैट मेमोरी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बाइट्स अवेलेबल है लाइक दैट एंड सो ऑन सम बाइट्स। इसमें से कोई पर्टिकुलर बाइट होगा देन उस पर्टिकुलर बाइट को नेम क्या असाइन हो जाएगा, एक्स। अब एक्स का साइज 1 byte होगा या 2 bytes होगा या 4 bytes होगा डिपेंड करेगा व्हाट इज द डेटा टाइप और डेटा टाइप ऑफ एक्स। इस केस में एज्यूम करके चला अगर एक्स का साइज 1 byte है, मेमोरी के अंदर कोई फ्री स्पेस होगा, इस फ्री स्पेस को नेम क्या असाइन हो जाएगा लॉजिकली एज एक्स सम मिडिल बाइट्स लाइक दैट, मे बी एड्रेस समथिंग 100 लाइक दैट, और प्रीवियस बाइट का एड्रेस क्या है उसके अकॉर्डिंग 99 101 एंड सो ऑन। इस मेमोरी के अंदर कोई मिडिल लोकेशन है, इस लोकेशन को नेम क्या असाइन हो रहा है लॉजिकली एज एक्स, दैन जब भी एक्स में 5 असाइन करेंगे, एक्स में 5 असाइन करने का एग्जैक्टली मीनिंग है मेमोरी के अंदर जिस लोकेशन का लॉजिकल नेम एक्स है उस लोकेशन में क्या असाइन कराओगे 5। लेकिन 5 डायरेक्टली कभी असाइन करना पॉसिबल नहीं, बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है अगर एक्स का साइज 1 byte है, यानी 1 byte अगेन कितने बिट्स में डिवाइड होंगे, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 8 bits। 1 byte इज इक्वलेंट टू 8 bits लाइक दैट, ये राइटिंग है। इसके इसमें लेस स्पेसली थोड़ा सा बड़ा करके राइट कर रहे हैं। अगर x का साइज 1 byte है तो टोटल बिट्स कितने एलोकेट हो रहे हैं, इसके इसमें देयर आर 8 bits फॉर x। अगर x का साइज 2 byte है देन टोटल बिट्स कितने एलोकेट होंगे, इसके इसमें 16 bits और 2 bytes। किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में 2 types के बिट्स होंगे, साइन बिट, फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट बिट फॉर एनी वेरिएबल इज कंसीडर्ड एज साइन बिट इन केस ऑफ साइंड नंबर। अभी मैं साइंड नंबर के रिस्पेक्ट में सारे रूल्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रिमेनिंग ऑल बिट्स आर कंसीडर्ड एज डेटा और इंफॉर्मेशन बिट। मीन्स फर्स्ट बिट के केस में असाइन किया हुआ साइन ऑफ द नंबर, साइन बिट के केस में बात करें 2 possible values होंगे आइदर 0 or 1, डिपेंड करेगा नंबर टाइप ऑफ नंबर। अगर नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव के केस में साइन बिट असाइन हुआ या 0। इफ नंबर इज नेगेटिव देन साइन बिट इज असाइंड एज 1। इस साइन बिट के केसेस में पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं, आइदर 0 or 1, और नंबर के रिस्पेक्ट में पॉसिबल साइन क्या होंगे, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स भी अगेन किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी बिट्स आइदर 0 or 1। इफ नंबर इज पॉजिटिव देन साइन बिट इज 0, इफ नंबर इज नेगेटिव देन साइन बिट इज 1 लाइक दैट। रिमेनिंग बिट्स में क्या साइन करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग बिट्स, वैल्यू ऑफ रिमेनिंग बिट्स कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन असाइंड वैल्यू। करंट केस में असाइन क्या करा है 5, देन इस केस में असाइन क्या है बाइनरी नंबर ऑफ 5। एज वी नो बाइनरी नंबर ऑफ 5 इज 101। मीन्स एक्स में 5 असाइन करने के केस में 5 का बाइनरी नंबर क्या है 101। लेकिन 101 को स्टोर करने के लिए 3 bits सफिशियंट है, लेकिन एक्स के पास अभी भी डेटा बिट्स कितने हैं 7। इस केस में असाइन कैसे करें, राइट टू लेफ्ट, सबसे पहले क्या असाइन होगा 1 देन 0 then again 1। then what is the default values for remaining bits, default values are initialized by 0 0, this is the binary representation of 5 in 8 bits or in the form of 8 bits। means kisi variables ke respect mein 2 types ke bits possible honge, sign bit or data bits। abhi maine baat ki only about respect to positive numbers, but what about if number is negative, if number is नेगेटिव, अगर नंबर नेगेटिव है देन नेगेटिव नंबर का बाइनरी नंबर कभी भी डायरेक्टली कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं। देयर इज नो रूल, नो सच रूल वाई विच वी कैन कन्वर्टिंग एनी नेगेटिव नंबर डायरेक्टली इनटू इक्विवेलेंट बाइनरी, इट इज नॉट पॉसिबल। मीन्स नेगेटिव नंबर्स के बाइनरी नंबर को कैलकुलेट करने के रिस्पेक्ट में सबसे पहले जो भी नेगेटिव नंबर है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन्स एब्सोल्यूट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू, इसके इक्विवेलेंट पॉजिटिव नंबर को कन्वर्ट करें इनटू 2's कॉम्प्लीमेंट। मीन्स एनी नेगेटिव नंबर इज इक्विवेलेंट टू 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ पॉजिटिव नंबर।
अगर आपको माइनस फाइव का बाइनरी नंबर रिक्वायर्ड है, देन माइनस फाइव का बाइनरी नंबर क्या हुआ, इट इज इक्वलेंट टू टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्लस फाइव, इक्वलेंट टू टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्लस फाइव। और टूज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन भी अगेन बाइनरी फॉर्म में परफॉर्म करना पॉसिबल। टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या हुआ, बाइनरी नंबर ऑफ फाइव, फोर एट बिट्स में स्टोर कर रहे हैं, देन एट बिट्स के केसेस में फाइव, फाइव का बाइनरी नंबर क्या है, जीरो वन जीरो वन। इस बाइनरी नंबर भी कितने बिट्स में कैलकुलेट करेंगे डिपेंड करेगा वेरिएबल का साइज क्या है। मीन्स फाइव का बाइनरी नंबर तो थ्री बिट्स में ही पॉसिबल था, लेकिन मैंने एट बिट्स में क्यों राइट किया, जस्ट बिकॉज ऑफ साइज ऑफ एक्स। अगर किसी वेरिएबल का साइज एट बिट है देन बाइनरी नंबर एट बिट्स में कैलकुलेट होगा, और वेरिएबल का साइज टू सिक्सटीन बिट है देन बाइनरी नंबर सिक्सटीन बिट्स में कैलकुलेट होगा। देन रिक्वायर्ड क्या हुआ, इट्स टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज के रिस्पेक्ट में पहले वंस, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है, वन 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 जीरो वन जीरो। देन इसमें ऐड क्या कराया जाएगा, वन लाइक दैट। मीन्स इन दोनों का जो भी एडिशन आएगा, एडिशन किसके इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट टू माइनस फाइव लाइक दैट। जीरो प्लस वन इज वन, वन प्लस जीरो इज वन, जीरो प्लस जीरो इज जीरो, वन 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 वन। देन जो भी बाइनरी नंबर आए, बाइनरी नंबर किसका है, इट इज अ रियल में देखा है, रियल में क्या है, इट इज टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइव इन एट बिट रिप्रेजेंटेशन। लेकिन टूज फाइव का टूज कॉम्प्लीमेंट ही किसके इक्विवेलेंट, इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू माइनस फाइव। और वी कैन से इट इज अ बाइनरी नंबर ऑफ माइनस फाइव इन एट बिट रिप्रेजेंटेशन। अगर आप सिक्सटीन बिट में निकालोगे देन डिफरेंट नंबर आ सकता है, फोर बिट्स के केस में डिफरेंट बाइनरी नंबर पॉसिबल होगा लाइक दैट। इस टाइप से टू टाइप्स के नंबर पॉसिबल, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर्स। किसी वेरिएबल में टू टाइप्स के बिट्स होंगे, साइन बिट डेटा बिट। लेफ्ट मोस्ट बिट इज कंसीडर्ड एज साइन बिट, साइन बिट कितने होंगे किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, ऑलवेज वन। हो सकता है वेरिएबल का साइज वन बाई टू, टू बाई टू या फोर बाई टू, लेकिन साइन बिट्स कितने होंगे, ओनली एग्जैक्टली वन, रिमेनिंग बिट्स आर डेटा बिट्स। देन इस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के केस में रिक्वायर्ड क्या हुआ, बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब बाइनरी टू डेसिमल के केस में टू पॉसिबल केस होंगे, रिस्पेक्ट टू साइन बिट, या तो किसी नंबर का साइन बिट जीरो है वन, साइन बिट जीरो होने का मतलब क्या, नंबर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव के केस में बाइनरी टू डेसिमल रूल डिफरेंट होंगे, और नेगेटिव के केसेस में बाइनरी टू डेसिमल रूल डिफरेंट होंगे। सेम है डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी के केसेस में भी टू पॉसिबल केस होंगे, आइदर नंबर इज पॉजिटिव और नंबर इज नेगेटिव। पॉजिटिव नंबर का डेसिमल टू बाइनरी डायरेक्टली पॉसिबल, लेकिन नेगेटिव नंबर का डेसिमल टू बाइनरी क्या होगा, इक्विवेलेंट टू टूज कॉम्प्लीमेंट, इन द फॉर्म ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट। उसके लिए कुछ रूल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट वन, डेसिमल टू बाइनरी, वी आर यूजिंग दिस रूल्स फ्रिक्वेंटली इन नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। डेसिमल टू बाइनरी मीन्स करेंट केस में आपको जो भी कन्वर्जेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ थ्रू आउट सी लैंग्वेज, सारे के सारे कन्वर्जेंस फ्रिक्वेंटली मोस्ट ऑफ प्रोग्राम्स में यूज करेंगे, और विदाउट दिस कन्वर्जेंस हो सकता है आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के आउटपुट बताना पॉसिबल हो, लेकिन अगर आपके पास एक पर्टिकुलर रूल्स क्लियर हैं देन किसी भी टाइप के प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व करना पॉसिबल हो। ओनली फोर रूल्स अप्लाई करोगे, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल, रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव और रिस्पेक्ट टू नेगेटिव नंबर। फर्स्ट वन, डेसिमल टू बाइनरी रूल, डेसिमल टू बाइनरी केस में फर्स्ट केस होगा रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव नंबर्स, इफ नंबर इज पॉजिटिव। इसके पॉजिटिव के केसेस में कभी भी आपको कोई भी एक्स्ट्रा कन्वर्जन रिक्वायर्ड ही नहीं हो, सिंपली डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, देयर इज नो एक्स्ट्रा ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड। बट इफ नंबर इज नेगेटिव, ऑलरेडी जस्ट अभी मैंने आपको शो किया था, नंबर अगर नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं। नेगेटिव के केसेस में रिक्वायर्ड क्या हुआ, सबसे पहले नंबर को कन्वर्ट करेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट, मीन्स जो भी आपका डेसिमल नंबर है, डेसिमल को पहले कन्वर्ट किस में करा लोगे, इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस टेन इज टेन, मीन्स सबसे पहले इसका एब्सोल्यूट वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे इनटू बाइनरी, मीन्स डेसिमल टू एब्सोल्यूट वैल्यू। और एब्सोल्यूट वैल्यू भी किस फॉर्म में आएगा, डेसिमल के फॉर्म में, जैसे माइनस टेन का भी डेसिमल क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, ऑल्सो टेन। देन जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे इनटू बाइनरी, देन बाइनरी को अगेन कन्वर्ट करेंगे टू
बाइनरी टू टूज कॉम्प्लीमेंट, ए पर्टिकुलर टूज कॉम्प्लीमेंट इक्विवेलेंट हुआ टू गिवन नेगेटिव नंबर्स, मीन्स दिस द रूल्स फॉर कन्वर्टिंग एनी डेसिमल और नेगेटिव डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी फॉर्म, मीन्स माइनस फाइव का बाइनरी किसके इक्विवेलेंट है, माइनस फाइव का बाइनरी जस्ट इक्विवेलेंट हुआ इक्विवेलेंट टू द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइव। सिमिलरली माइनस टेन का बाइनरी नंबर क्या हुआ, इट इज इक्विवेलेंट टू टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्लस टेन। माइनस फिफ्टीन का भी बाइनरी नंबर क्या है, इक्विवेलेंट टू टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्लस फिफ्टीन, लाइक दैट। दिस इज द फर्स्ट रूल। सिमिलरली नेक्स्ट केस क्या हो, किसी प्रोग्राम का आउटपुट जब भी डेसिमल नंबर सिस्टम में डिस्प्ले कराएं तो डेसिमल नंबर सिस्टम में डिस्प्ले कराने के रिस्पेक्ट में इनिशियली वेरिएबल्स के अंदर डेटा बाइनरी फॉर्म में हुआ और आउटपुट किस फॉर्म में डिस्प्ले होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो इसलिए सेकंड केस में रिक्वायर्ड क्या हुआ, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। इस केस में अगेन टू पॉसिबल केस होंगे रिस्पेक्ट टू साइन बिट, या तो साइन बिट जीरो हुआ या साइन बिट नेगेटिव हुआ रिस्पेक्ट टू साइन बिट। इन केस ऑफ साइन बिट, साइन बिट के केस में पॉसिबल केस क्या होंगे, आइदर जीरो और वन। अगर साइन बिट जीरो इसका मतलब नंबर कैसा है, पॉजिटिव। साइन बिट वन है देन नंबर कैसा है, नेगेटिव। अगेन टू रूल्स हैं, फर्स्ट वन रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव नंबर, सेकेंड रूल रिस्पेक्ट टू नेगेटिव नंबर। अगर किसी नंबर का साइन बिट जीरो से हो रहा है इस केस में परफॉर्म क्या कराएंगे, डायरेक्टली बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, डायरेक्टली बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। मीन्स पॉजिटिव नंबर्स के केसेस में दोनों ही केसेस में डायरेक्ट कन्वर्जन पॉसिबल है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स के केसेस में रिक्वायर्ड क्या होगा, टूज कॉम्प्लीमेंट देन मैन ऑपरेशंस। सेम है अगर साइन बिट किसी बाइनरी नंबर का साइन बिट वन फाउंड हो रहा है और इसको पॉजिटिव डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, देन सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या हुआ इस केस में, बाइनरी टू टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन भी बाइनरी फॉर्म में रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे, इसलिए नेक्स्ट टाइम टूज कॉम्प्लीमेंट को अगेन किस में कन्वर्ट करेंगे, दिस टूज कॉम्प्लीमेंट टू डेसिमल, मीन्स टूज कॉम्प्लीमेंट मीन्स बाइनरी। अगेन इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट किस में करोगे, डेसिमल में। तो जो भी डेसिमल वैल्यू आएगा, सपोज दैट इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या आया, फाइव, तो उसके लिए साइन क्या अप्लाई करोगे, माइनस, इसलिए इक्विवेलेंट किसके हो, माइनस फाइव, लाइक दैट। दिस इज देयर आर फोर रूल्स विच इज वेरी यूजफुल फॉर यू विद रिस्पेक्ट टू एवरी सी प्रोग्राम। मीन्स अगर आपके पास एक कन्वर्जन पॉसिबल है, मीन्स इसके जस्ट बाद में 20 प्रोग्राम्स प्रोवाइड करूंगा विद एग्जाम्पल्स, इन प्रोग्राम्स में बार बार सेम रूल्स फॉलो करेंगे एवरी टाइम्स। अगर आप सिंपली प्रोसेस फॉलो करो देन आपके लिए किसी भी टाइप के रिजल्ट्स ईजिली ऑब्जर्व करना पॉसिबल होगा।